बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज एक बहुत ही मज़ेदार सी चटनी की रेसिपी लेकर आए हैं। रमज़ान है, पकोड़े बनते हैं, कचौरी बनती है, इसके साथ आप ये चटनी बनाएं, बहुत ही अच्छी लगती है। इसके लिए जो जो चीज़ें चाहिए वो ये हैं: शुगर 1 टेबल स्पून, भुना कुटा धनिया है, इसको ड्राई रोस्ट कर लेना है, ये है 1/2 टी स्पून, ज़ीरा भुना कुटा है ये भी 1/2 टी स्पून, फूड कलर है ये आप ले लें 2 चुटकी, आपके पास येलो हो तो ज़्यादा बेस्ट है, मेरे पास अभी येलो नहीं था तो मैंने ऑरेंज कलर ले लिया है। चाट मसाला 1/2 टी स्पून, सॉल्ट जाएगा इसके अंदर 1/2 टी स्पून, कुटी हुई मिर्चें जाएंगी इसके अंदर 1/2 टी स्पून, और पिसी हुई लाल मिर्चें 1/2 टी स्पून। आलू हैं, 2 अदद आलू हैं जिनको बॉयल करने के बाद बिल्कुल मैश कर लिया है। 2 अदद आलू लें, आप उसको उबाल लें, उबालने के बाद आप इसको छीलने के बाद अच्छी तरह से मैश कर लें, और साथ ही इसके अंदर जो डालेंगे वो डालेंगे सिरका 2 टेबल स्पून। अच्छा, आपको एक बात मैं बता दूं कि मार्केट में जो ये चटनी बनती है उसके अंदर वो यूज़ करते हैं टाटरी, आप चाहें तो टाटरी भी डाल सकते हैं, मैं टाटरी यूज़ नहीं कर रही, सिरका यूज़ कर रही हूँ। अब हमने सबसे पहले मैश किए हुए आलू डालने हैं। आलू डालने के बाद इसके अंदर डालेंगे सिरका 2 टेबल स्पून। इसके बाद वो तमाम मसाले जो मैंने अभी आपको बताए हैं वो डाल देंगे। अब इसको कवर करके ब्लेंड कर लेंगे। चटनी रेडी हो गई है, इसको हम एक बाउल में निकाल दें। आलू की चटनी तैयार हो गई है। मैंने आपको पहले भी बताया कि अगर आपको खटाई ज़्यादा पसंद है तो सिरका मैंने 2 टेबल स्पून डाला, तो आप 4 टेबल स्पून डाल सकते हैं, और इसके अंदर जो मार्केट में मिलती है उसके अंदर टाटरी ऐड होती है, मैंने टाटरी यूज़ नहीं की है। अच्छा, मैं आपको ये बताना भूल गई थी कि इसके अंदर हमने तकरीबन 3 से 4 टेबल स्पून के करीब थोड़ा पानी भी ऐड किया था। उसके बाद ये मज़ेदार सी चटनी तैयार हो गई है। आपने देखा होगा बाहर समोसों पकौड़ों के साथ मिलती है, बहुत ही मज़े की लगती है। नमक, मिर्च, खटाई, ये सब आप अपने टेस्ट के हिसाब से डाल सकते हैं, क्योंकि अक्सर जो है ज़्यादा पसंद की जाती है खटाई, मिर्चें, कुछ लोग बहुत तेज़ खाते हैं, कुछ लाइट खाते हैं, तो आप ये तमाम चीज़ें अपने हिसाब से रख सकते हैं। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आपको हमारी रेसिपी कैसी लगती है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो आप इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।